रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम लोग थ्योरी से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने सारे एक बेसिक कॉन्सेप्ट से चैप्टर कंप्लीट कर लिए, सोशियोलॉजिकल रिसर्च भी आपने कर लिया, तो आज से हम लोग इंशाल्लाह थ्योरी स्टार्ट करें। पहला हमारा थ्योरिस्ट है इब्ने खुलदून। इनका जो टेन्योर था 1332 से 1406 तक, इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इब्ने खुलदून के बारे में देखते हैं, इनकी ड्राइविंग फोर्स क्या है, इनकी मेजर स्क्रिप्ट ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी थी जिसके बाद इनको बड़ा नाम और बड़ा मशहूर हुआ था सोशियोलॉजी के लिहाज से। ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इस मेजर स्क्रिप्ट प्रोलेगमेनन, इसको हम लोग मुकदमा भी कहते हैं। इसके बारे में बहुत बहुत एमसीक्यूज आ रहे होते हैं कि सबसे मेजर काम कौन सा उनका, इब्ने खुलदून का, वो मुकदमा है। और इन्होंने एक और चीज लिखी थी, इनकी जो ड्राइविंग फोर्स थी, बुक ऑफ लेसन एंड इंस्ट्रक्शन, किताबुल इब्रार। किताबुल इब्रार के बारे में भी आज याद रखिएगा। अच्छा, ये किताबें बता क्या रही हैं, मुकदमा किताबुल इब्रार ये बता रही है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो क्यों डिक्लाइन हुई थी और वेस्टर्न सिविलाइजेशन एट द सेम टाइम क्यों राइज हुई थी। बेसिकली इन्होंने बोला था मुस्लिम्स के लिहाज से कि वो कैसे डिक्लाइन हो रहे हैं, ऐसी क्या चीजें उन डिक्लाइन कर रही हैं, और एट द सेम टाइम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सारे फॉलो कर रहे हैं, सारे सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके बारे में हमें कॉजेज दिए थे उन्होंने, मेन वजहें दी, वजह बताई थी। एजेटोन भी ये बड़े फेमस हिस्टोरियन है, ये बोलते हैं मुकदमा मुकदमा के बारे में देखते हैं ये क्या बोलते हैं। अनडाउटली द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ इट्स काइंड दैट हैज नेवर बीन क्रिएटेड बाय एनी टाइम और प्लेस। इनकी किताब इतनी मशहूर हुई थी कि ब्रिटिशर्स तो सबने किताब पढ़ी थी और देखा था द वे ही डिफाइंड द थिंग्स, व्हाट आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके उन्होंने कॉन्सेप्ट बताए थे हमारे पास, क्या रीजन थे, क्या इन्होंने बड़ी डिटेल रिसर्च की थी, किताबों में हमें मिल जाती है। इनको फाउंडर ऑफ सोशोलॉजी कहते हैं। देखिये हम लोग इन्हें फादर ऑफ सोशोलॉजी कहते थे, एट द सेम टाइम ऑगस्ट कॉम्टे आए तो वेस्टर्न ने उन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहना शुरू कर दिया। तो अब हमने जब भी याद रखना है तो इब्ने खुलदून को हमने फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी बोलते हैं और ऑगस्ट कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोलते हैं। तो कौन है इब्ने खुलदून एज फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी? ये वो पहले बनते थे, इन्होंने बोला है किसी भी डिसिप्लिन को स्टडी करने के लिए ना सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए आपको। इसी तरह आप सोसाइटी के बारे में बात करो, कल्चर्स के बारे में बात करो, उनके इश्यूज के बारे में बात करो, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करो, तो हर तरह सिस्टमैटिक अप्रोच से हमने चलेंगे आगे, तभी जाके हमें उसे प्रोज एंड कॉन्स या क्या सही है क्या गलत है किस तरह के सोल्यूशन वगैरह तब पता चलेगा। तो क्या है, फेवर्ड सिस्टमैटिक अप्रोच टूवर्ड्स स्टडिंग एनी डिसिप्लिन, एनी डिसिप्लिन में सारी चीजें आ जाती हैं। ही रोट देयर इज अ नीड एट दिस टाइम दैट समवन, अच्छा ये क्या लिखते हैं ये देखते हैं, देयर इज अ नीड ऑफ एट दिस टाइम दैट समवन शुड सिस्टमैटिकली सेट डाउन द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड अमंग ऑल रिलीजन्स, सारे रीजन्स रेसेस कस्टम्स सेक्टेरियन बिलीफ दैट हैव चेंज फॉर देयर एडहेरेंस दस गिविंग अ मॉडल फॉर फ्यूचर हिस्टोरियन टू फॉलो। बोले हर रीजन को, हर रेसेस को, हर कस्टम्स को, हर सेक्टेरियन बिलीफ्स को स्टडी करना एक सिस्टमैटिक तरीका होगा, तभी हमें पता चलेगा व्हाट आर द डिफरेंसेस जो हमारे एंसेस्टर्स करते थे हम क्या कर रहे हैं, और फ्यूचर हिस्टोरियंस को समझने फॉलो करने में बड़ी आसानी होगी कि उन्हें आगे क्या काम करना चाहिए, किस तरह सोसाइटी को बेहतर बनाना चाहिए। इनकी अपनी साइंस का नाम क्या है, इल्मुल उमरान, इल्मुल उमरान इनकी अपनी, इन्होंने अपनी साइंस को नाम दिया था इल्मुल उमरान का। ये क्या स्टडी करती है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड सिविलाइजेशन एंड इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हो रही है सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की, पूरी दुनिया की सिविलाइजेशंस की, इन्होंने अपनी अपनी साइंस एक दी थी। अच्छा, ये पहले सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिस्टिंग किया था रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज के, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज। ही शोज दैट ये पहले इन्होंने डिफरेंशिएट किस तरह किया था, इन्होंने सबसे पहले हम देखते हैं रूरल लाइफ को इन्होंने एक नाम दिया था बदावा और अर्बन लाइफ को दिया था इन्होंने नाम हदारा। इनकी बुक्स में जब भी आप बदावा का नाम देखें तो आप समझ जाएं ये रूरल लाइफ की बात करें, हदारा का नाम देखें तो वो समझें अर्बन लाइफ की बात कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि इन टर्म्स ऑफ मटेरियल एंड मोरल कंडीशंस, मोरल और मटेरियल कंडीशंस, जैसे कि किसको प्रेफरेंस आप इन्होंने प्रेफर किया है रूरल लाइफ को, मतलब बदावा को इन्होंने प्रेफर किया है क्योंकि वो ऑर्गेनिक आइटम्स खाते हैं, कोई उन्होंने उनकी लाइफ बड़ी ग्रीन लाइफ है, एक ऑक्सीजन इनरिच्ड उनके पास एटमॉस्फेयर है, और उनके मोरल कंडीशंस डिसिप्लिन जो आपके मोरल कंडीशंस है, अपनापन, आपकी यकजहती, भाई भाई, और ये सारी चीजें आपको बदावा में ज्यादा मिलेगी रादर देन हदारा।
अच्छा, इन्होंने दोनों कम्युनिटीज, पहली कम्युनिटी इन्होंने वो अल उमरान अल बदावी, अल उमरान अल बदावी को कहते हैं रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग यहाँ पे रूरल की बात करें, अल उमरान की बात आ गई और अल बदावी एग्जिस्ट आउटसाइड सेंटर। ये बोलते हैं कि रूरल एरियाज या रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि सेंटर, सेंटर मतलब सिटीज या वो कैपिटल्स, उससे दूर होती हैं। एग्जिस्ट आउटसाइड सेंटर और ये क्या है, इंटरनल सोशल स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। वो जितना ज्यादा सेंटर से दूर होंगी उतना ही उनका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जो करीब होती है सेंटर से वो बहुत सारी चीजें सेंटर से अडॉप्ट करी होती हैं, लेकिन ये क्या है, दूर है तो इनके अंदर कम चीजें अडॉप्टेड होंगी जो कि सेंटर पे होंगे, और जो बहुत ज्यादा दूर होती है वो उनकी अपनी ही अलग जिंदगी हो रही होती है, वो अपनी जिंदगी गुजार होता है, किसी चीज किसी सोसाइटी का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होता। सेकेंड है सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर घर मकान उनके होते हैं, दुकानें होती हैं, एग्रीकल्चर में लोग काम कर रहे होते हैं, तो छोटी छोटी चीजें, बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर होता है, कोई लेबर और इतना नहीं है, स्पेशलाइजेशन का कोई उधर इतना कॉन्सेप्ट नहीं मिलता हमें। हाई लेवल ऑफ असाबिया, असाबिया कहते हैं यकजहती अपनापन को, असाबिया इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, और जिससे हम लोग असाबिया को बेसिकली हम लोग इंग्लिश में सॉलिडैरिटी कहते हैं, इनके अंदर सॉलिडैरिटी बहुत ज्यादा होती है। डू नॉट एक्यूमुलेट बियॉन्ड नो सरप्लस, ये उतना ही काम उतना ही जमा करते हैं जितनी इनकी जरूरत होती है, एक जरूरत से ज्यादा जमा नहीं करते कि वो लग्जरी लाइफ के लिए ये भी जमा करो वो भी, सरप्लस का इनके अंदर बहुत ना होने के बराबर कॉन्सेप्ट होता है। नो सरप्लस बेसिकली एक टर्म है या एक नेग्लिजेंस है, इसलिए हमने नो सरप्लस लिखा है यहाँ पे। इब्ने खुलदून ने बदावा कम्युनिटी को तीन तरह के, तीन टाइप्स में डिफाइन किया है। एक वो जो सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड्स पे काम करते हैं, आपको देखा है लेबर है जो कि एग्रीकल्चर लैंड्स पे काम कर रहे होते हैं, एक तो वो लोग होते हैं। सेकंड उन्होंने बोले बदावा कम्युनिटीज वो भी होती हैं जो कि कैटल ब्रीडर्स होती हैं, इनको पेस्टोरेलिस्ट के भी कहा जाता है। वो कैटल ब्रीडर्स जैसे कि जो हमारे मवेशी वगैरह उनको चराते हैं, गायें भैंसें बकरियां ये सारे चराने वाले कौन से होते हैं आपके पास, कैटल ब्रीडर्स, ये भी उन्होंने बोला बदावा कम्युनिटीज हैं। उसके बाद कैमल ब्रीडर्स, कैमल ब्रीडर्स वो जो अपनी जिंदगी पूरी कैमल्स को ब्रीड करवाते हैं, और ज्यादातर ये लोग डेजर्ट्स में रहते हैं, और ये तीन तरह के लोग हैं जो कि इब्ने खुलदून साहब कहते हैं कि ये बदावा कम्युनिटीज है। सेकेंड अल उमरान अल हदारी, अल उमरान अल हदारी अर्बन सोशल ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं, ये टाउन्स होते हैं, सिटीज होते हैं या स्मॉल कम्युनिटीज होती हैं जिनके ऊपर एक मॉडर्नाइजेशन या एक मॉडर्न दो तरीके होते हैं, जो लग्जरी में रह रहे होते हैं, जो बियॉन्ड नेसेसिटीज से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जो अपनी वांट्स और डिमांड्स पूरी कर रहे होते हैं बेसिकली। वेल डेवलप्ड ड्यू टू बेटर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, ये ज्यादा डेवलप्ड होती है क्योंकि इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी बेहतर होती है एज कंपेयर टू बदावा कम्युनिटीज, और सेकेंडली इनकी सोशल कंडीशन भी बेहतर होती हैं, इनकी सारी नेसेसिटीज पहले से पूरी हो रही होती हैं। डेवलपमेंट ऑफ हदारा कंटिन्यूस टिल ग्रोथ इज कंप्लीट। अच्छा एक बात कहते हैं कि ऐसा नहीं कि आपकी अल उमरान या हदारी कम्युनिटी, हदारा कम्युनिटीज जो है वो बड़ी डेवलप्ड होगी, नहीं, इनकी डेवलपमेंट भी कंटिन्यूस एक पोजिशन में होती है, एक ऐसे स्टेज आता है जहां पे फुल ग्रोथ पे पहुंच जाते हैं, उस ग्रोथ को हम लोग कहते हैं अल तरफ। उन्होंने एक टर्म दिया है इब्ने खुलदून ने कि अल तरफ वो है जब पीक लग्जरी में पहुंच रहे होते हैं। जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो मुझे मुगल एरा का जमाना याद आता है, पहले मुगल से बहुत ज्यादा एक ग्रोथ की थी, सारे टेरिटरीज लिए थे, अपना एक इन्फ्लुएंस था, लेकिन जब बहुत ज्यादा ग्रोथ पे आ गए तो वो लग्जरी टाइम पे आ गए थे, जिसकी वजह से हमें पता है कि फिर क्या हुआ है मुगल एम्पायर्स के साथ। थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन, एक और थ्योरी आपके इब्ने खुलदून साहब कहते हैं देते हैं, और इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन, थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन। अच्छा थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन है क्या बेसिकली, बोलते हैं ट्रांजिट करना फ्रॉम रूरल से अर्बन कम्युनिटी, उसके लिए क्या क्या चीजें होती हैं, इसको बोलते हैं कि रूरल कम्युनिटीज अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करती हैं और ट्रांजिट करती हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन कम्युनिटीज, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन बेसिकली। अब हम लोग देखते हैं ये इब्ने खुलदून साहब कहते हैं इख्तलाफुल अय्याल, इख्तलाफुल अय्याल बोलते हैं डिफरेंस ऑफ कंडीशन अमंग जनरेशन, जनरेशन के बीच में बदावा और हदारा की जनरेशन के बीच में क्या डिफरेंस कंडीशन है, उसको इख्तलाफुल अय्याल कहते हैं। ओके द इख्तलाफुल अय्याल बदावा एंड हदारा इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग, बोलते हैं जो डिफरेंट कंडीशन है क्योंकि वो उनका वे ऑफ लिविंग डिफरेंट है, इसीलिए उनकी कंडीशन डिफरेंट है। सेकेंड
बदावा इज पोटेंशियल टू गेट ट्रांसफॉर्म रूरल, इसका मतलब है रूरल एरियाज के अंदर एक टेंडेंसी है, एक पोटेंशियल है, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजिशन किस चीज पे डिपेंड करिए, ट्रांजिशन डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिक वेलबींग। बदावा के पास जितना पैसा आएगा, इकोनॉमी के स्ट्रांग होगा, उतना ही उनके अंदर ज्यादा टेंडेंसी होगी, उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करे एक बेहतर कंडीशन पे। और आपके पास जिस तरह आपके वो रहते हैं हजारा रहते हैं अर्बन कम्युनिटी वाले रहते हैं, इसी तरह आप भी रह सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द इकोनॉमिक वेलबींग। इन्होंने बोला है कि दो डेवलपमेंट होते हैं, दो फेजेस होते हैं डेवलपमेंट के। पहले पहला होता है सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स, अपने आप को इस तरह बनाए कि आप सारी नेसेसिटीज को सेटिस्फाई कर दो। पहला तो ये होता है, ऑब्वियसली जब तक नेसेसिटी सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक आप ग्रोथ का सोच ही नहीं सकते। पहला ये फेज होता है कि अपने आप को इसलिए कि आपको सेटिस्फेक्शन नेसेसिटीज की सेटिस्फेक्शन से आपको कोई टेंशन ना हो। उसके बाद सेकेंड आता है बियॉन्ड सिक्योरिंग मेयर नेसेसिटीज एंड स्ट्राइविंग फॉर हायर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जब आपने एक बार अपनी नेसेसिटीज को सिक्योर कर दिया, फिर आप और मेहनत करें ताकि आपको और एक्स्ट्रा मिले और सरप्लस मिले और आपकी इकोनॉमिक वेलबींग हो, ताकि आप हायर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ग्रेजुअली जाते जाएं। तो ये दो स्टेजेस बताए उन्होंने, दो फेजेस बताए। साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशियो पॉलिटिकल चेंज, ये इब्ने खुलदून का सिर्फ यही सवाल आया आपके पास 2020 के पेपर में, 20 नंबर का सवाल आया था। तो साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशियो पॉलिटिकल चेंज किसे कहते हैं हम लोग, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इब्ने खुलदून साहब करते क्या है, अप्लाइज ऑर्गेनिज्म थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट टू नेशंस एंड डायनेस्टीज। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको पहले बात की थी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, मैंने आपको बताया था कि तीन पैराडाइम में से पहला पर्सपेक्टिव आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म था, जो कि ऑर्गेनिज्म थ्योरी पे काम करता है। जैसे ऑर्गेनिज्म थ्योरी में आपको थोड़ा सा ग्लिम्प्स दे देता हूं अगेन, जैसे ह्यूमन बॉडी है उसी तरह आपकी सोसाइटी है। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स दैट वर्क्स जो फंक्शन करते हैं प्रॉपरली, उसके बाद हमारी एज ए ह्यूमन बॉडी होल सही तरह काम करती है। इसी तरह सोसाइटी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस दैट फंक्शन प्रॉपरली, और इसी तरह हमारी पूरी सोसाइटी प्रॉपर तरीके से काम करती है, एक सही स्मूथ तरीके से काम करती है। तो इब्ने खुलदून साहब वो थ्योरिस्ट हैं जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पैराडाइम से सोसाइटी को देखते हैं, इस पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को रिसर्च करते हैं। अप्लाइज ऑर्गेनिज्म थ्योरी टू डेवलपमेंट ऑफ नेशंस एंड डायनेस्टीज, अकॉर्डिंग टू हिम कि सारे जब तक अपने परफॉर्म फंक्शन सही तरह परफॉर्म करेंगे सोसाइटीज के इंस्टीट्यूशन, तभी आपकी सोसाइटी सही तरह चलेगी। अच्छा, इनकी कुछ चीजें आपको याद भी रखनी है क्योंकि एमसीक्यूज में बहुत आ चुकी है। नो डायनेस्टी लास्ट फॉर मोर देन 3 जनरेशन, बोलते हैं हर डायनेस्टी 3 जनरेशन की होती है। 3 जनरेशन, एक आपने ये बात याद रखनी है कि हर डायनेस्टी 3 जनरेशन की होती है, और सेकेंड आपने बात ये याद रखनी है ईच जनरेशन है 40 ईयर्स, हर एक जनरेशन 40 ईयर्स की होती है, और साइकिल ऑफ चेंज फिर मतलब जब 40 ईयर्स हुए 3 जनरेशन से 120 साल में हमारी पूरी एक टेन्योर बन जाता है। तो ये बोलते हैं साइकिल ऑफ चेंज कंप्लीटेड इन 120 ईयर्स, 120 ईयर्स में आपका साइकिल ऑफ चेंज कंप्लीट हो जाता है, मतलब इस पे आपकी सोसाइटी पैदा होती है, ग्रोथ करती है, पीक लग्जरी पहुंचती है, उसके बाद डिक्लाइन करके उसके बाद खत्म हो जाती है। बेसिकली साइकिल ऑफ चेंज कंप्लीटेड इन 120 ईयर्स अकॉर्डिंग टू इब्ने खुलदून। ये मैंने आपको बताया ग्रोथ डेवलपमेंट एंड डिके, मैंने आपको बोला ग्रोथ करते हैं डेवलप करते हैं फिर डिके कर जाते हैं, दिस इज नोन एज साइकिल ऑफ चेंज या साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशियो पॉलिटिकल चेंज। एवरी स्टेज हैज पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बोलते हैं हर एक जो जनरेशन है, हर एक स्टेज जो आता है ना आपके पास, उसमें डिफरेंट तरह की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होती हैं सोसाइटी की और डेमोग्राफिक कंडीशन होती हैं सोसाइटी की, और हर जैसे जैसे ग्रोथ करते हैं पीक लग्जरी पहुंचते हैं हर वक्त हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हमारे पास डिफरेंट होती हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस स्टेज। एक और बात आपने याद रखनी है, विद इन 3 जनरेशन स्टेट गो थ्रू 5 स्टेजेस ऑफ बोल्ड, बोलते 3 जनरेशन में 5 स्टेजेस आती हैं और 5 स्टेजेस में हमारे पास जो मोल के पॉलिटिकल पावर है वो डिफरेंट होती है। ये 5 स्टेजेस नीचे बताई हुई है, अल जफर, अल इस्तेबदाद, अल फिराज व दिया, अल कुनू व मुसलमा और अल इसरा व तब्दील। ये 5 स्टेजेस हैं। पहली जफर बात करती है सक्सेस पे, बोले जब सक्सेस करना स्टार्ट करती है कोई सोसाइटी। सेकंड बात करती है अल इस्तेबदाद, कंट्रोल और अथॉरिटी आहिस्ते से वो लेने की कोशिश करती है, उसको मिलती है। अल फराज व दिया, जब वो लेजर कंडीशन में आ जाती है, उनके पास अथॉरिटी आ चुकी होती है तो वो लेजर अपनी जिंदगी गुजार होते हैं। अल कुनू वल मुसलमा है, ये इसकी स्पेलिंग सही नहीं है, अल कुनू वल मुसलमा,
मुसलमान है, MUSALMAH, ओके। इसमें जब पीस और कंटेंटमेंट, जब आपको लेजर होती है तो आप पीस में रहते हैं, कंटेंटमेंट ये वोल्ट नहीं हो रहा है, जब आप बड़े पीस में और कंटेंटमेंट में हर चीज आपके पास होती है, स्टेट बड़ी स्मूथ तरीके से चल रही होती है। पांचवें होता है अल इसराफ और तब्दील, जब लग्जरी बहुत हद से ज्यादा बढ़ जाए, आप उस रिसोर्सेज की कदर करना छोड़ दें तो एक वेस्ट करना शुरू कर दें अपने रिसोर्सेज को। रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्स भी आती है, सारी रिसोर्सेज आती हैं। जब वेस्टिंग स्टार्ट होती है तब आपकी किसी भी और किसी भी सोसाइटी का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। डिक्लाइन के बाद इतना डिक्लाइन होता है कि लोग कोई और आपके ऊपर आके कैप्चर कर देता है। तो दिस इज द थ्योरी, साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशियो पॉलिटिकल चेंज, ये आपने लिखना है। लेकिन इसमें मैं आपको एक बड़ी एक आप ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। काइंडली प्लीज, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो अपने पास पेन और पेंसिल, पेपर और पेंसिल ले लें, ताकि आप ये ग्राफ साथ साथ बना लें, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बात की थी थ्री जनरेशन अल बदावा, अल हदारा और अल तरफ। आपकी सोसाइटी चलती है कुछ इस तरह, ठीक है। हमारे पास ये तीन जनरेशन है, बदावा, हदारा और तरफ, तीन पांच स्टेजेस से हमारे पास जफर, सेकंड था इस्तिबदाद, उसके बाद अलफराज वदिया, उसके बाद हमारे पास था अल कुनू व मुसलमान, उसके बाद हमारे पास पांचवा स्टेज आ जाता है यहां पे अल इसरा व तब्दील। अच्छा, पहले मैं जब जब पढ़ाता रहा हूं तो वो पूछते कि हमें नाम याद करना जरूरी है। प्लीज नाम याद कीजिएगा, जब आप इब्ने खुलदून के बारे में बता रहे हो तो प्लीज आपको बहुत जरूरी है नाम याद करना। तो अब हम लोग देख रहे हैं अजफर, हमने देखा यहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अल इस्तबदार में देख रहे हैं हमारे पास अथॉरिटीज, पावर अथॉरिटी मिल रहे हैं। अल फिराज बदिया, जब ये लेजर में आ जाते हैं फुल पावर अथॉरिटी में। अल कुनू वो मसलमा, वो टाइम जहां अपनी लेजर और बड़े पीस में गुजार रहे होते हैं। अल इसराफ बदिया, अल तरफ पे आता है, ये देखें अगर आप देखें तो अल तरफ पे आ रहा है ना, ये है पीक लग्जरी, इसका मतलब हमने पीछे पढ़ा है। जब पीक लग्जरी में टाइम गुजार रहे होते हैं तो वो वेस्टेज शुरू करते हैं, वेस्टेज शुरू करते हैं तो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है सोसाइटी, ठीक है। ये वन था स्टेज, ये टू था, थ्री, फोर, फाइव, हम लोग देख रहे हैं जब ग्रोथ वगैरह होना स्टार्ट होती है तो ट्रांजिशन हो रही है ना, यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है बदावा की हदारा में, हदारा में जब इनके पास पीक लग्जरी होती है, बड़ा गुजार होते हैं। तो आपने इसी तरह बनाना है, और बीच में आपने क्या, अच्छा प्रॉपर तरीके से स्केल यूज कीजिएगा, राइटिंग बेहतर कीजिएगा। मेरे पास टीचिंग पैड है इसीलिए मैं प्रॉपर नहीं लिख सकता यहाँ पे। आपने नीचे क्या, इस ग्राफ के नीचे क्या लिखना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और सिविलाइजेशन, ठीक है। ये देखें 40 इयर्स ईच है, ये भी 40 इयर्स है, हर चीज 40 इयर्स ईच है। तो आपने, आपको ये चीज याद होनी चाहिए। चले आगे चलते हैं हम लोग। साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशियो पॉलिटिकल चेंज, साइक्लिक थ्योरी ऑफ, ये हमने देखा है अभी। द कॉन्सेप्ट ऑफ असाबिया, असाबिया का कॉन्सेप्ट भी इब्ने खुलदून साहब ने दिया था। असाबिया कैसे कहते हैं, सॉलिडैरिटी को बोलते हैं। असाबिया का नाम सोशल सॉलिडैरिटी है, सोशल कोहिजन है, भाई से भाई का ताल्लुक, ये लोगों का अपनापन, बेसिकली सारी चीजें हमारे पास असाबिया के अंदर आ जाती हैं। इन्होंने जब हदारा वर्सेस बदावा कम्युनिटी को आपस में डिफ्रेंशिएट किया तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे कम्युनिटीज बदावा से हदारा, इसका मतलब रूरल से सोशल, रूरल से अर्बन की तरफ जा रही है, तो इनके अंदर ये सॉलिडैरिटी कम हो रही है। जैसे आपको अगर पता चलेगा कि डेवलप, जैसे मैं अगर कराची डिफेंस एग्जांपल दूं, हमें यहाँ पे ये नहीं पता होता, पता होता सिर्फ कि नाम कौन है, कौन रह रहे हैं पड़ोस में, ये वैसा कोहिजन नहीं होता, अगले घर के क्या मसले चल रहे हैं, मसाए चल रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। या मैं अगर दुबई की एग्जांपल दूं, दुबई में जो एक साल हो गया यहाँ पे अगर, तो एक पांच सालों तक भी ये नहीं पता होता कि पड़ोस में हमारे पास कौन रह रहा है। तो असाबिया तो जीरो है यहाँ पे। जितना ज्यादा
डेवलपमेंट हो रही है तो अपनापन होता है सिर्फ आपका, अपनी फैमिली और आप, दैट्स इट। तो अकॉर्डिंग टू हिम हदारा और बदावा कम्युनिटी, असाबिया बहुत ज्यादा होती है किसमें, बदावी कम्युनिटीज के अंदर, रूरल कम्युनिटीज के अंदर ये सॉलिडारिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अर्बन कम्युनिटीज। थ्योरी ऑफ कंजप्शन, थ्योरी ऑफ कंजप्शन हमारे ये भी थ्योरी हमें कौन दे रहे हैं, इब्ने खुलदून साहब दे रहे हैं। ये बोलते हैं कि इन्होंने क्या किया, डिस्कस ड्राइव बिहाइंड मॉडर्न डे कंजप्शन पैटर्न्स। मैं इधर एक बात करूंगा कि आपको ये पता है कंजप्शन पैटर्न्स, जब मैं रूरल और अर्बन कम्युनिटीज को डिफरेंशिएट करूं तो अर्बन कम्युनिटीज में कंजप्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एक सोशल स्टेटस भी दिखाना होता है, सोशल लाइफ भी दिखानी होती है आपको, आपको अपना स्टैंडर्ड दिखाना होता है, आपकी अपनी सोशल गैदरिंग वैसी बनानी होती है, तो यहाँ पे कंजप्शन अकॉर्डिंगली वैसे कर रहे होते हैं। और कंजप्शन से आप, हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमें ये पता चलता है सोशल स्टेटस कैसे, तो कंजप्शन पैटर्न्स के बारे में हमें कौन बता रहे, इब्ने खुलदून साहब बता रहे हैं। हिज थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एक्सप्लेन फिनोमेना। ये बोलते हैं कि देखिए जब तक हम लोग होते हैं रूरल एरियाज में, जब वो अर्बन एरियाज या अर्बन तरीके से काम करते हो, तो जैसे जैसे वो ट्रांजिट होते हैं तो उनकी कंजप्शन बढ़ती जाती है, वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। शायद वो छोटी सी गाड़ी में गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब वो क्या करेंगे, बड़ी गाड़ी उठाएंगे, वक्त के साथ साथ घर बढ़ा लेंगे, कंजप्शन ज्यादा करेंगे, चीजें शायद ऑर्गेनिक खा रहे थे तो फास्ट फूड में आ जाएंगे। तो ये बारी सारी बातें होती हैं। अहलुल हदारा कहते हैं ये, अच्छा आपने ये टर्म जो मैंने रेड से किया ना, इसीलिए कहें कि यू हैव टू लर्न दीज टर्म्स, यू हैव टू राइट दीज टर्म्स इन द पेपर, तो आपको पता चले यू आर सोशियोलॉजिस्ट, आप उन्हीं की जबान पे उनकी बातें बता रही है। अहलुल हदारा क्या है, ड्वेलर्स ऑफ अर्बन कम्युनिटीज बोलते हैं, ड्वेलर्स ऑफ अर्बन, अहलुल बोलते हैं कि किस तरह रहते हैं, ड्वेलर्स को अहलुल कहते हैं। अहलुल हदारा वो बोलते हैं वो बहुत कंफर्ट और लग्जरी में गुजारते हैं अपनी जिंदगी, जिसकी वजह से उनकी कंजप्शन ज्यादा होती है, वो ज्यादा कंज्यूम करते हैं चीजों को। अहवाल, अहवाल बोलते हैं लाइफ स्टाइल या कंडीशन, बोलते हैं अहवाल, अगर मैं अर्बन कम्युनिटी में हूं, मैंने इसी तरह अपनी कंजप्शन रखी, मैंने अपना लाइफ स्टाइल ऐसा बना दिया, तो एक वक्त आएगा ये एक सोशल स्टेटस का कस्टम बन जाएगा कि अच्छा इस कस्टम पे सोशल क्लास में लोग ये काम करते हैं, तो हमें भी वैसी गाड़ियां, वैसा स्टैंडर्ड रखना है, वैसी सोशल गैदरिंग रखनी है, तो एक कस्टम बन जाता है ये आपका लाइफ स्टाइल, जो अमीरों का लाइफ स्टाइल कस्टम बना हुआ है ना, और इससे क्या होता है, डिफरेंसेस पैदा होता है, और इसी डिफरेंसेस की वजह से सोशल क्लासेस पैदा होती है कि यार इसका लाइफ स्टाइल ये रहा, मेरा लाइफ स्टाइल ये है, दूसरे का लाइफ स्टाइल ये है, अपर सोशल क्लास, मिडल सोशल क्लास, जो पॉवर्टी है बेसिकली वो लोअर सोशल क्लासेस में चली जाती है। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, एक और बात करते हैं आपके इब्ने खुलदून, लेबर इज सोर्स ऑफ ऑल वैल्यू। ये बोलते हैं जो जितनी भी वैल्यू आप जनरेट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, आप तक पहुंच रही है, सब सबका सोर्स कौन है, लेबर है। लेबर बोलते हैं हमारे पास दो तरह की लेबर होती है, एक प्राइमरी लेबर होती है और एक एडिशनल लेबर होती है। प्राइमरी लेबर वो लेबर होती है जिसको आप इस्तेमाल करते हुए अपनी नेसेसिटीज को सिर्फ पूरा करते हो, आप नेसेसिटीज को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, जबकि एडिशनल लेबर आप तब लाते हो जब आपको सरप्लस क्रिएट करना होता है, जब आपको प्रॉफिट जनरेट करना होता है, जब आपको एक अपना अपनी आपको डिमांड और वांट्स पे काम करना होता है, आपको एक अपनी सोशल क्लासेस को चेंज करना होता है, तब आप बोलते हो एडिशनल लेबर, आप उसको इस्तेमाल करते हो ताकि प्रॉफिट जनरेट हो, सरप्लस हो, एक्यूमुलेट करें आप चीजों को, अमाउंट को। आई होप आपको इब्ने खुलदून साहब के बारे में पता चल गया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगस्त ट्वेंटी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।